जो हमारा दूसरा घर है वहाँ कुछ काम। आ गई मैं इस खेत में, वो भी आ रहे। ये हमने निकाला थोड़ा सा हरा साग, थोड़ा और निकालेंगे इसमें। इसकी ना हरी सब्जी बनती है पत्तियों की, इसका नाम है जरिंग। बहुत अब हम यहाँ से घर निकलते हैं। घर मैं अभी बज गई शाम की 6 और हमने आधा गुड़ाई तो कर... हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनी का ब्लॉग्स। आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और मैं अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अभी 9 बजे से। नाश्ता नुस्ता तो बन गया, अब खाते हम नाश्ता वगैरह, उसके बाद देखते क्या काम करते हैं। ससुर जी भी चले गए ड्यूटी, उन्होंने तो खा लिया। अब हम बचे हुए हैं जो घर में हैं, तो खाते हैं नाश्ता नुस्ता, उसके बाद काम को देखते हैं क्या क्या करना है। वैसे तो बारिश ही हो रही, बारिश में तो क्या ही काम होगा। मौसम तो आज यहाँ ख़राब हो रखा है, बारिश हो रही है, बारिश बारिश आज हो गई बारिश। कब से चाह रहे थे सबकी बारिश हो, आज फाइनली बारिश हो गई है। मतलब जब होनी है तब होती नहीं है बारिश, जब नहीं चाहिए थी तब हुई है बहुत ज़्यादा बारिश। तब तो बोला कि बारिश नहीं होनी चाहिए थी, अब चाहिए क्योंकि रोपाई का सीजन है, तो बारिश तो आम बात है। और यहाँ लगा रखी हमने गोभी, दोनों प्रकार की गोभी लगा रखी, पत्ता गोभी फूल गोभी। और इधर ये दीदी ने अभी साफ किया, इधर लगाएंगे मिर्च वगैरह, क्योंकि मिर्च की क्यारी ये निकाल रखी यहाँ पे। ये टमाटर हो रखे छोटे छोटे, इधर मिर्च लगाएंगे ये, और बीन्स वगैरह बोएंगे। अभी बज रहे हैं 10 और हम जा रहे हैं घास के लिए, क्योंकि बारिश तो रुक गई, बारिश तो हो नहीं रही। ऐसे रहेगा मौसम तो ठीक होता है। अभी हम घास के लिए जा रहे हैं, घास भी लाना ही है, पशुओं के लिए तो लाना ही है, गाय रख रखी जो। तो अब हम घास के लिए जाते हैं। अभी बज गए दिन के 1:15 और हम आ गए अभी घर घास से। दीदी में जा रखे थे, बड़ी वाली दीदी ने यही किया काम, बीन्स वगैरह बोए। और अभी बारिश भी हो गई स्टार्ट, थोड़ा थोड़ा लग रही बूंदाबांदी, अभी तक तो हो नहीं रही थी। बंदर भी आ रखे इधर रखे, बंदरों ने आतंक मचा रखा मगर अब हम करते खाने पीने की तैयारी, लंच बनाते हैं, दाल दूर चावल वगैरह। आजकल ये बंदर इतनी खतरनाक है कि वो खाने के लिए दौड़ रहे, वहाँ पे वहाँ डर भी नहीं रहे, डरते ही नहीं अब इंसान से, बंदर तो बंदर इंसान को ही खाते उल्टा। और आज लंच में बना रही हूँ आज चने की दाल। अभी बज गए शाम के 3:30 और लंच तो हो गया हमारा, नहा भी गई मैं, यहाँ धोके रेडी भी हो गई, चाय बन रही है, चाय जी पियेंगे। अभी फिर वहाँ जाएंगे जो हमारा दूसरा घर है, वहाँ कुछ काम है गुड़ाई करने के लिए, तो गुड़ाई करेंगे हम। तो हम पहुँच गए गाइस यहाँ, और मैंने पहन लिया अपनी ड्रेस शर्ट, क्योंकि सर मिट्टी पिट्टी से हो जाती है ना, तो शर्ट पहननी पड़ती है, शर्ट पहन ली मैंने। अब हम करेंगे गुड़ाई कि हमारी यहाँ आ रही है। ये माल्टे के पेड़ इधर, संतरे के, ये और अरबी के पत्ते, हरा सा गुलाब हो रखा है यहाँ पे। अब मैं जाऊँगी खेत में, मैं और दीदी आ रही, बड़ी छोटी वाली भी आ रही है, हम तीनों यहाँ रखे हैं। तो अब हम जाएंगे खेत में, खेत ज़्यादा दूर नहीं है, यहीं पे है। ये सामने इस बैल के साइड यहाँ पे घर है हमारा, यहीं पे आ रखे। और आ गई मैं इस खेत में, वो भी आ रहे हैं यहाँ पूरा। हमने मंडू गुड़ाई करेंगे, ये मंडू आ रखा भी छोटा छोटा है, ये कुछ कर रखी है ये। बस अभी स्टार्ट करते हैं गुड़ाई करना। और ये यहाँ से हमारा गांव दिख रहा, जो सामने दिख रहा है वो हमारा ही गांव है, यहीं का पार्ट है वो, जो वहाँ मतलब वहाँ चले गए लोग कुछ गांव से, तो उधर निकाल रखे हैं। उधर से गांव है, हमारा घर नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारा घर उस साइड है। अभी बज गई शाम की 6 और हमने आधा गुड़ाई तो कर दी, आधा नहीं कर दिया, अब जा रहे हम घर। इतने इतने भी गुड़ाई कर दी, इतना भी रह रखा दीदी दीदी। ये हमने निकाला थोड़ा सा हरा साग, थोड़ा और निकालेंगे इसमें और फिर बनाएंगे। ये है चौलाई, चौलाई भी मारछा भी बोलते हैं इसको, मारछा है। इसका साग भी मस्त होता, हरा साग। इसकी ना हरी सब्जी बनती है पत्तियों की, इसका नाम है जरिंग। बहुत मतलब टेस्टी होती है इसकी सब्जी। ये आ रहा है इसके छोटे छोटे पेड़, और ये पीलिया में भी काम आता क्योंकि ये ठंडा होता ना, इसलिए खाया जाता है, ये मस्त होता है। ये बड़ी वाली दीदी लाए अपने माइक से लगाने के लिए, फैल गया अब इतना सारा फैल गया।
की। और ये एलोवेरा हो रखा हमारा, कितना सारा हो रखा है यहाँ पे, एलोवेरा बहुत फैलता है, बहुत सारा हो रखा। ये हमारा बांज का पेड़ है यहाँ पे लगा रखा, होगा कभी दिन तो बड़ा होगा यहाँ पे। और पुदीना भी बहुत बड़ा बड़ा हो रखा, ये पुदीना बहुत ज़्यादा हो रखा है यहाँ पे। कर दिया है इसको, हम साग बनाएंगे, कर दिया का साग भी बनता है, उबालते थोड़ा फिर इसको। ये बिमल का पेड़ है, ये सूख गया बेचारा, इसकी टहनी टहनी पूरी सूख गई। अब हम यहाँ से घर निकलते हैं, घर में खाने पीने की तैयारी करेंगे, क्योंकि हमारे घर में आज मेहमान आ रखे पर अब खाना पीना बनाएंगे शाम को। घर का तो नहीं दिखा पाऊंगी मैं, अब यहीं से अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।